हेलो फूडीज, वेलकम टू सिमरन्स फाइन डाइन। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आप लोगों के लिए लोहरी स्पेशल मुरमुरा चिक्की की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे आप बस 10 मिनट में रेडी कर सकते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे जिससे आपको सारी स्टेप्स क्लियर हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुरमुरा चिक्की बनाने के लिए मैं ये 3 कप पफ्ड राइस ली हूँ, यानी मुरमुरा, और 1 कप मैंने जैगरी लिया है। जैगरी को मैंने छोटे पीसेस में कट कर लिया है, जिससे ये मेल्ट होने में इजी होगी। तो चलिए आगे का प्रोसेस देखते हैं। सबसे पहले एक पैन हीट करें, इसी में ऐड कर दूंगी अपना ये मुरमुरा और इसमें ड्राई रोस्ट कर लूंगी। फ्रेंड्स, इसे हल्के हाथों से ही रोस्ट करें। इसे रोस्ट किए हुए मुझे 2 से 3 मिनट हो गए, तो चलिए मैं इसे चेक कर लेती हूँ। ये देखिए, जब मैं इसे प्रेस कर रही हूँ तो ये बिल्कुल चूरा हो जा रहा है, मीन्स ये क्रिस्पी हो गई है। तो अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लूंगी जिससे ये ठंडी हो जाए। तो सबसे पहले मैं अपने ये टिन को ग्रीस कर लूंगी, जिसमें मैं अपने मुरमुरा सेट करने वाली हूँ। इसे अच्छे से घी से ग्रीस कर ले। ये देखिए, टिन मेरी ग्रीस हो गई है, इसे मैं साइड रख देती हूँ। तो चलिए मैं अपना चाशनी रेडी कर लेती हूँ। उसके लिए सबसे पहले एक पैन हीट करें, इसी में ऐड कर दूंगी घी, इसी में अब अपना जैगरी डाल दूंगी। फ्रेंड्स, गुड़ को हमेशा छोटे पीसेस में कट करके या ग्रेट करके ही यूज करें, उससे हमारी चाशनी जल्दी बनेगी। फ्रेंड्स, चाशनी को हमें लो फ्लेम पे ही कुक करना है, नहीं तो ये बर्न हो जाएगी। और इसे से कंटिन्यू स्टर करते रहे। ये देखिए फ्रेंड, जैगरी मेरे अच्छे से मेल्ट हो गई और इसमें ये बबल्स भी उठने लगे हैं। तो इसे मैं चेक कर लूंगी। एक कटोरी में पानी ले ले, इसमें कुछ बूंद अपनी जैगरी के डाले और इधर इसे कंटिन्यू स्टर करते रहे। ये देखिए, मैं आपको इसे दिखाती हूँ। ये देखिए, ये अभी खिंचा रही है, सिर्फ अभी रेडी नहीं है। तो इसे मैं 1-2 मिनट और कुक कर लूंगी। तो इसे लगातार चलाते हुए इसे कुक कर ले। फिर से मैं इसे चेक कर लेती हूँ। तो कुछ बूंद ऐसे अपनी पानी में डाले, कटोरी में डाले और इसे ठंडा होने रख दें। और इधर इसे जैगरी को कंटिन्यू स्टर करते रहे। ये देखिए, ये बॉल मेरी ठंडी हो गई है, इसे मैं चेक कर लेती हूँ। ये देखिए, ये टूट रही है क्रिस्टल की तरह, मीन्स ये रेडी है। तो मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इसी में ऐड कर दूंगी ये पफ्ड राइस और इसे मिक्स कर ले जल्दी से। इसे अच्छे से जैगरी कोट होने तक मिक्स कर ले। ये देखिए, अब जल्दी से मैं इसे ट्रांसफर कर लूंगी अपने ग्रीस ट्रीन में। फ्रेंड्स, इस प्रोसेस को हमें जल्दी जल्दी करना है, नहीं तो फिर ठंडे होने पे हमारी चिक्की सेट नहीं होगी। इसे जल्दी से अपने बेकिंग टिन में ट्रांसफर कर ले और इसे अब मैं अपने स्पैचुला से प्रेस करते हुए इवनली स्प्रेड कर दूंगी, जिससे ये देखने में इवन लगे। तो बस ये देखिए, मेरी चिक्की सारी स्प्रेड हो गई है। इसी में मैं अब अपने कुछ पिस्ता के कतरन डाल दूंगी, जिससे ये देखने में और खूबसूरत लगे और इसका टेस्ट भी बढ़ जाए। थोड़े सी इलायची के पाउडर, उसे भी इवनली स्प्रेड कर दें। एंड देन मैं इसे स्पैचुला से प्रेस कर दूंगी, जिससे ये सेट हो जाए हमारी चिक्की में। और अब मैं इसमें गर्म गर्म में ही निशान लगा लूंगी, जिससे ये अलग करने में इजी हो। इसे मैं 1 आवर के लिए ऐसे ही रहने दूंगी, जिससे ये कम्प्लीटली सेट हो जाए। तो बस अब मैं इसे नाइफ से स्क्रैप कर लूंगी
जिससे ये इजिली डिमोल्ड हो जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कितना इजिली निकल आया है। ये देखिए कितनी बढ़िया सेट हुई है मेरी मुनगुरा चिक्की। तो मैं इसे तोड़ लूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, चिक्की मेरी सेट हो गई है। ये देखिए ये कितनी बढ़िया बनी है। अब मैं आपको इसे तोड़कर दिखाती हूँ। ये देखिए काफी क्रंची बनी है ये। अब मैं आपको इसे खाकर दिखाती हूँ। बहुत ही क्रंची बनी है, बहुत ही टेस्टी है। तो इस लोहरी आप मुरमुरा चिक्की जरूर ट्राई करें। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि मेरी रेसिपी की पहली अपडेट आपको मिलती रहे। तो मिलती हूँ अगली बार एक न्यू रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।